नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन, स्काउट्स एंड गाइड का आयोजन रघुआना के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। 5 दिसंबर से लेकर के और 9 दिसंबर तक इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस कैंप में देश भर के विभिन्न हिस्सों से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न स्टेटों के जो बच्चे हैं, विभिन्न प्रदेशों के बच्चे हैं, वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और किस प्रकार से अलग अलग स्टेटों के जो बच्चे अपने स्टेट की तख्तियाँ हाथों में लिए वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपनी प्रस्तुति का इंतजार कर रहे हैं। और अभी कुछ ही समय बाद जो विधायक हैं डबवाली हलके की नैना चौटाला, वो भी यहाँ पे पहुँचने वाली हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य अतिथि के तौर पर वो शिरकत करने वाली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बताना चाहें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट रेलवे, तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपनी प्रस्तुतियाँ देने के लिए। और स्काउट्स एंड गाइड्स की जो अंतर्गत ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप रखा गया है, उस कैंप में तमाम ये बच्चे अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए अपने अपने स्टेट की जो झलकियाँ दिखाने के लिए, झलक दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर इधर मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियाँ भी उसी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे अपने अपने स्टेट की खासियत स्टेज के माध्यम से ये बच्चे जो है वो दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। और जैसे प्रस्तुति चली जाती है तो प्रस्तुति के बाद में यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से जो परफॉर्म करने वाले जो है पार्टिसिपेट हैं उनका हौसला बढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं तमाम छोटी छोटी बच्चियाँ और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो किस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों से, दूर दराज के प्रदेशों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने स्टेट की खासियत बताने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अपने स्टेट आज का जो कार्यक्रम है वो अपने प्रदेशों में होने वाले, जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम जो 22 राज्यों के यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों के साथ एक कंपटीशन रखा गया है कि वो अपने स्टेट के अंदर मनाए जाने वाले सबसे बेस्ट फेस्टिवल, यानी कि जो उनका राष्ट्रीय फेस्टिवल या राजकीय फेस्टिवल होता है, सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो ऐसे में तमाम स्टेट के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में आज यहाँ पे किस प्रकार से उल्लेख किया है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अभी स्टेज की ओर। और उसके बाद में तमाम वो बच्चे यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में क्या कुछ कहते हैं वो भी जानेंगे। भारत 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 भारत
अस्सलाम, ईद का है यारो ये
अब हम आप जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ होली का त्योहार ऐसे ही लोग मनाते हैं। हम आपके समक्ष बरसाने की प्रसिद्ध होली जो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध होली है, बरसाने में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है राधा और कृष्ण की होली, बरसाने की होली हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसकी झलक आपके समक्ष।
हलका की विधायक मैडम नैनत कंवर जी और बार स्काउट सेंटर की तरफ से एसएस कौशल जो सेक्टरी साहब हैं वो भी हमारे पास पहुंचे हैं। सुखविंदर सिंह जी जो उपायुक्त महोदय के सलाहकार हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सरदार बलदेव सिंह जी, हेड टीचर हरवेल सिंह जी, समुची मैनेजमेंट कमेटी अलग अलग स्टेटों से आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे गांव के मौजूद व्यक्ति व दर्शक भी, मेरी माताएं व बहनें जो भी इस प्रांगण में उपस्थित है, मैं सभी का यहां पहुंचने पर ग्राम पंचायत रघुवाणा की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। उठुरिया का मूल खान खेलो नूना नीला ओ खेलो नूना नीला ओ ओ सुकुरे सालू मौय खोले ना साला ओ ओ निदीला बिहुवान खान I'm not the one who's running away.
22 स्टेट से जो बच्चे आए हुए हैं, मुझे आप लोगों को देख के इतनी ज्यादा अंदर से खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकती कि एक रघुवाड़ा गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो भारत स्काउट्स कैंप जो लगा हुआ है, इसको देख के और मैं ये सोच रही हूँ कि गांव के सरकारी स्कूल में, मैंने बहुत स्कूल के प्रोग्राम अटेंड किए, मैंने कॉलेज के भी किए, पर मैंने इतना डिसिप्लिन फंक्शन आज तक कभी नहीं देखा। तो मैं यहाँ आए हुए आज उपस्थित मिस्टर एसएस कौशल जी, एक्स सरपंच जगतार सिंह जी रघवाना, मैडम सरपंच कुलविंदर कौर जी, स्कूल के प्रिंसिपल बलदेव सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी एडीसी ऑफिस, हमारे डवाली के प्रधान सरजीत जी मसीता, मेरे साथ आई रुकमा श्याम, रणदीप मठ दादू, सुखमंदर सिंह, मनजीत सरपंच, शगनजीत सिंह, हरमेल सिंह, स्कूल के जो हेड है बरपूर सिंह जी गदराना, और जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति और स्काउट्स के जो हैं टीचर्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत ध्यान से अभिनंदन करती हूँ और मैं मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे आज आप लोगों से मिलने का मौका मिला। जगतार भाई साहब हैं, उन्होंने दादाजी के लिए कहा था कि मैं कहूंगी कि दादाजी जो देवलाल जो थे उनका नाम लेते हुए हमें भी बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है कि अगर हम विश्व के मानचित्र पर चौटाला गांव को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल की वजह से देखते हैं कि वो इतनी बड़ी महान शख्सियत थी जो गांव से होते होते वो प्रधानमंत्री के पद पे वो पहुंचे, तो उन्होंने हरियाणा का नाम विदेशों में भी रोशन कर रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी हमारे बच्चे आए हैं उनमें भी किसी न किसी बच्चे में जो प्रतिभा वो उनके किसी न किसी टीचर ने पहचाना होगा ना, कि जितने यहाँ बच्चे आए हैं किसी में डांस की प्रतिभा है, किसी में सिंगिंग की है, कोई खेल कूद में अच्छा है, तो ये सब पहचान करने में हो सकता है शुरू में माँ बाप ने भी मना किया होगा कि नहीं नहीं तुम लोग पढ़ाई करो, कहीं नहीं जाना, ये उछल कूद ये कैंप वगैरह अटेंड नहीं करने, पर मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स जो है ना उनका इसमें अहम रोल होगा कि जो इन बच्चों को घरों से निकाल के और इनकी प्रतिभाओं को जिन्होंने पहचाना है और आज इनकी प्रतिभाओं को पहचान के और आज इस कैंप में इतनी अलग अलग स्टेट से जो लेके आए वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मैं जितनी भी टीचर्स आई हुई है मैं सबसे कहूंगी कि आप सब धन्य हो जो आपको ऐसे बच्चे मिले, और ये बच्चों को मैं कहूंगी कि आप लोग भी धन्य हो जो आपको ऐसे टीचर्स मिले। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों से मैं कहूंगी कि दिन दुगनी रात चौगनी आप लोग उन्नति करो,